ये सबसे ज्यादा ड्रामेबाज बिल्ला जो है ना मारा है। चलो चलो खा लो खा लो, चलें जी खा चलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद और उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी हुई है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैट्स को टैबलेट किस तरह दे सकते हैं इजीली घर के अंदर, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। उसके अलावा डिवर्मिंग के बारे में बताएंगे कि क्यों आखिर मैं अपने कैट्स की डिवर्मिंग करने जा रहा हूँ आज, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं डिवर्मिंग के अंदर। मेरे तकरीबन 8 से 10 कैट्स हैं, तकरीबन आज 4-5 के हमने डिवर्मिंग करनी जिनकी पेंडिंग है। उसके अलावा कुछ आप लोगों के लिए तोहफा भी लेके आया हूँ सेल्स से रिलेटेड और क्लिनिकल सर्विसेज से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वीडियो छोटी सी होगी, वीडियो तक लाजमी देखिएगा, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, आप दिखा दें हमारा रेस्क्यू किटन था, किटन तो नहीं, अब ये माशाल्लाह से सबसे तंग करने वाला बिल्ला है। सबसे पहले इसको लेके आएंगे, इसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करें, आप लोगों को दिखाएं। अब इसमें होता ये है कि हर टेक्निक हर कैट के ऊपर नहीं लग रही होती, हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट कोई चीज़ यूज़ की आप लोगों को सिखाएं, क्योंकि घर में तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसको आप जो है वो डिवर्मिंग कर सकें। एक तरीकेकार ये है कि पॉजिटिव रिस्पांस थोड़ा सा आना चाहिए कैट की तरफ से, उसके लिए थोड़ी सी हम जो है वो क्रीमी ट्रीट लाइक पसंद करती हैं वो देंगे, ताकि इनका मूड जो है वो अच्छा हो, इनको पता लगे कि हाँ यार कोई चीज़ जो है ना वो आ रही है। चलो ये खा लो, और जब टैबलेट दें तो शायद वो ये भी समझ सकती हैं कि टैबलेट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये मैं थोड़ी सी दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपको भी बताएंगे कि खाने भी नहीं है क्या करना होता है डिवर्मिंग से पहले डिवर्मिंग के बाद, वो चीज़ आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब ज़रा टैबलेट पकड़ लें, इसको थोड़ा सा तो खिला दिया हमने। चलें जी डॉक्टर साहब, इसको जो है हम ट्राई करते हैं। चलें जी, ये सबसे मुश्किल है अगर इसने ले लिया तो, पकड़ के एक बंदा थोड़ा सा मुँह पड़ की तरफ उठाए और नो ये सबसे ज़्यादा ड्रामेबाज बिल्ला जो है ना मारा है। चलो चलो खा लो खा लो। लें जी, इसने जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो टैबलेट खा ही लिया आखिरकार, लेकिन इसने साथ साथ डॉक्टर साहब के ग्लव्स भी फाड़ दिए थे। और इसकी चीखों पे नहीं आना आप लोगों ने, ये हमारी बिल्लियों, मैंने अभी तक जितनी बिल्लियाँ देखी में पड़ रही हैं सबसे ज़्यादा ड्रामेबाज है ये, बगैर वजह के चीखता है करता है। और क्या हुआ क्या हुआ मेरे बच्चा क्या हुआ, लेकिन हम इसको प्यार भी उतने करते हैं, सारी प्यार करते हैं इसका, और इसकी डिवर्मिंग कर दी है। अब नेक्स्ट के पास चलते हैं, जाके हम ना पुष्पा को पकड़ते हैं वो क्या करता है। और अब हमारे पास हमारा सबसे ज़्यादा प्यारा और शरीफ बिल्ला जो है वो आ चुका है, पुष्पा आ चुका है। और उससे पहले डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्टर साहब बता दें ज़रा। हाँ जी, कैट की डिवर्मिंग बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जितनी इसकी फीड है और वैक्सीन है, क्योंकि लोग जो उनसे ना डिवर्मिंग नहीं करते तो फिर शिकायत आती है कि जी हमारी कैट जो उनसे ना प्रॉपर वेट गेन नहीं कर रही, उसके लिए डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आप हेल्दी गेन वेट करवा सकें अपने कैट को। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, मोस्टली ये होता है कि 3 महीने के बाद जो उनसे ना रिपीट करवानी होती है आपने इसकी डोजेज, और घर में आप लोग डोजेज करते हैं तो कई दफ़ा होता है कि ओवर डोज के इशूज़ आते हैं, इसलिए आप अवॉइड करें घर में खुद करना। लेकिन ये अगर आप तरीका प्रॉपर सीख लेते हैं और डॉक्टर से रिकमेंड करके लेते हैं डोज, तो फिर जो है ना आप घर में भी दे सकते हैं। तो अब हम करेंगे पुष्पा की जो है वो डिवर्मिंग और देखते हैं, जो सब लें इसकी भी डिवर्मिंग करते हैं, ये शांति बिल्ला है और उम्मीद है कि करवा लेगा, है ना। चले इस तरह से आप लोग मुँह खोलें और पुष्पा नहीं तंग नहीं करना, पुष्पा लगता तंग करेगा। चलो पुष्पा। हाँ जी, खा ही लिया पुष्पा ने भी। पुष्पा चलें जी, जान को भी हम थोड़ी सी ट्रीट खिलाते हैं ताकि इसका मूड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो, और ये तो चप 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 कर खा जी आ रहा है जान भाई। बस 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 बस, चलो 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 चलें जी। अब इसको टैबलेट देने की जो है वो बड़ी भी आ गई है ना, टैबलेट भी देनी है ना हमने, हमने टैबलेट भी देनी है ना आपको। चलो चलो, आप अच्छे बच्चे हो ना, आप हमें तंग नहीं करोगे, मुझे पता है तंग नहीं ना करोगे, आपका मुंह भी बड़ा है ना। चलो शाबाश। और नहीं नहीं नहीं, बाहर निकाल दिया अभी इसने, ये लें दोबारा से ट्राई करते हैं। चलो चले जी चले जी चले जी चले चले, मुंह बंद कर दें। चले चलो जी चलो जी। निज़ान भाई एक बार याद रखिएगा कि जब कैट जो है वो अपनी ज़ुबान बाहर निकाल ले, अभी ज़ुबान बाहर निकाली इसका मतलब ये है कि ये टैबलेट खा चुकी है, उस टाइम आप इसको रिलीज़ कर दें, थोड़ा सा रिलैक्स रखा करें। उसके अलावा भी शायद कुछ लोग ये समझेंगे कि हम उसको खाना दे रहे हैं पहले डिवर्मिंग से पहले, डॉक्टर साहब ने भी यही बताया मुझे
बल्कि डॉक्टर साहब आप खुद ही बता दें थोड़ा सा कि इनको कितनी देर पहले और कितनी देर बाद जो है वो खाना देना चाहिए। इनको ऑफ फीड करना चाहिए कम से कम भी 4-5 घंटे के लिए। हम इसलिए दे रहे हैं हल्की फुल्की ताकि उसका टेस्ट बने, वो उसको टैबलेट खाते हुए इशू ना हो, इतना सा दे सकते हैं लेकिन ऑफ फीड करना जरूरी है। कितनी देर पहले और कितनी देर बाद में दे सकते हैं? उसके ऑफ फीड करवाने के 3-4 घंटे बाद जो ना दे सकते हैं। मोस्टली रिकमेंड ये किया जाता है कि आप सुबह जब उठे हाली फीड होती है गेट तब जो ना नहारमो इसको दे सकते हैं, उसके 3-4 घंटे बाद खाना दे सकते हैं इसको। चलिए ये आपने जरूर याद रखना है कि ऑफ फीड करवाना है, उसके भी 3-4 घंटे बाद खाना देना ताकि आपकी कैट की वर्मिंग अच्छे से अच्छी हो सके। ले जी हमारी सबसे जो है ना वो आप कह लें कि शरारती भी है और सबसे ज़्यादा नखरीली भी है, ये आप लोग देख सकते हैं, और इसकी उम्र भी सबसे ज़्यादा है। और इसके जो डिवर्मिंग करेंगे ये भी जो है ना वो पहले जो आया था ना हमारा जो था रेस्क्यू उसकी की ही नस्ल समझ लें कि उसी के साथ की है, बहुत तंग करती है, इसको भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑफर्स लेके आया हूँ क्लिनिकल हवाले से। ये हमारा एमए कॉलेज के बाद जो क्लिनिक है उसके अलावा हमारा क्लिनिक है जौहर टाउन में, वहाँ पे हमने ऑफर ये लगाई है कि जो डिवर्मिंग है डिवर्मिंग सिर्फ और सिर्फ 500 की कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर खाली जनरल चेकअप ही हो तो वो 700-800 वेरी करता है कौन सी ब्रांच में आ रहे हैं, लेकिन 500 में डिवर्मिंग होगी क्योंकि ये जो मंथ है ये हमारा एनिवर्सरी मंथ है, तो मैंने सोचा एक दो ऑफर्स दिखा दूँ। उसके अलावा डेंटल स्केलिंग जो है उसके ऊपर भी अच्छा खासा आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे 3500 उसकी अब कर दी है 5000 से, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हमने ट्रिमिंग खास तौर पर जिनके हेयर मैट्स बने होते हैं, जिन बिल्लियों के हेयर बॉल्स बने होते हैं बॉडी के ऊपर, उनके लिए भी ऑफर लगाई है, 30% ऑफ कर दी है, बल्कि 35% जो कि 1000 में अब करवा सकते हैं आप लोग। ये पूरा मंथ चलेगी ये वाली ऑफर, जौहर टाउन में भी यहाँ पे आप लोगों के सामने एड्रेस आ रहे होंगे तो उसका लाजमी फ़ायदा उठाए। चलिए डॉक्टर साहब इसको जो है वो हम ट्राई करते हैं, ये तंग करेगी शायद ना करे लेकिन करेगी तो सही, कुछ ना कुछ करेगी क्योंकि ये हमेशा मुझे कोई ना कोई ज़ख्म दे, देखा देखा ये हमेशा मुझे कोई ना कोई ज़ख्म दे के जाता। चलें जी खा, चल मुँह बंद कर, मुँह बंद कर, चलो जी खा लिया आपने, चलो जी खा लिया, ठहरो ज़ुबान बाहर निकाल लिया, हमेशा याद रखेंगे ज़ुबान देख लिया करें। ये वो कैट्स मैंने आप लोगों को दिखाई हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, शायद आप लोगों की कैट्स इतनी तंग नहीं करती हों, और जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है आप लोगों को घर में खिलाने के लिए, अगर आप लोग कोई भी टैबलेट खिला रहे हैं कि उसको ईजीली पहले रिलैक्स करें, उसको कुछ खिलाएँ और उसके बाद जो है आप उसके ऊपर एक बंदा पकड़े और दूसरा बंदा आराम से जो है उसके गले में थोड़ी सी डीप उतारनी है ताकि, और मुँह बंद कर दें ताकि वो आराम से निकले, और जब ज़ुबान बाहर निकालने का मतलब है कि उसने खा लिया। तो ये थी आज की वीडियो, इसके अलावा भी 2-3 तरीके हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी और घर पे करने वाला तरीका ना वो यही है। उसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बताया पिल गन के बारे में, अगर आप लोगों को कहीं शॉप से अच्छी पिल गन मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ढूंढ के आप लोगों के लिए पिल गन पहले हमारे पास थी लेकिन वो इतनी यूज़फुल नहीं थी, उसमें भी जो है वो क्योंकि क्वालिटी डिफरेंट आ रही होती चाइना वगैरह से, तो अच्छी पिल गन ढूंढ के उसके लिए भी आप लोगों का रिव्यू लेके आऊँगा और वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो ऑफ़र्स लगाई हैं उनको लाजमी अवेल करें, ये बहुत अच्छी ऑफ़र्स हैं आप लोगों की कैट्स के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं मैं और किस तरह की वीडियोज़ लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।